ओम श्री मात्रे नमः। कामार्थमागतायस्यान्मया सार्धम महागिरौ कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलकोटे रहोगता। यहाँ पर भगवान शिव बोलते हैं कि जो देवी सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है वो देवी नीलकूट पर्वत के निर्जन स्थान में निवास करती हैं, जिनको कामाख्या बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि भगवती कामाख्या का अर्थ क्या है, उनके नाम का अर्थ क्या है। वैसे तो भगवती अनंत हैं, तो उनके नाम भी अनंत हैं, उनमें से ही उनका एक नाम है देवी कामाख्या। तो कामाख्या का अर्थ है जिनकी कृपा से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि भगवती अनंत आयाम, अनंत ब्रह्मांड और बहुत सारे जो पैरेलल यूनिवर्स होते हैं, जो समानांतर ब्रह्मांड होते हैं, उनकी नायिका हैं। तो उसी प्रकार भगवती का ऐश्वर्य भी अनंत है, जैसे कि भगवती अनंत हैं, उसी प्रकार भगवती अनंत कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो कामाख्या का अर्थ है जिनके नेत्रों से ही समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। कामदा कामिनी कामा कांता कामांगदायिनी कामांगनाशिनी यस्मात् कामाख्या तेन चोच्यते। अब यहाँ पर भगवती के कुछ नाम बताए जा रहे हैं जो कि उनके गुणों पर आधारित हैं। ये भगवती जो है कामिनी है, कामदा है, कांता और कामादि प्रदा है, मतलब वही के सारी कामनाओं को भगवती पूर्ण करती हैं अपने भक्तों की। अब चाहे वो भोग की इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, या चाहे वो भोग और मोक्ष से परे जो भगवती के चरण कमल हैं उनकी इच्छा हो, तो भगवती सब कुछ पूर्ण कर सकती हैं। वो अनंत भक्ति, अनन्य भक्ति का दान दे सकती हैं। और ये भगवती कामनाओं को तो पूर्ण करती हैं, बट कुछ टाइम के बाद जब इनका साधक पूरे तरीके से वैराग्य की स्थिति में आ जाता है, जब उसका मन भोगों से भर जाता है, तब ये कामांगनाशिनी हो जाती हैं। इसी कारण इनको कामाख्या बोला जाता है। तो कामाख्या का एक अर्थ है जो कि इच्छाओं का नाश करती है, और कामाख्या का दूसरा अर्थ है जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। एतस्या श्रुणु महात्म्यम कामाख्याया विशेषतः या स प्रकृति रूपेण जगत सर्वम नियोजयेत। अब इन भगवती कामाख्या का हमें महात्म्य श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भगवती कामाख्या हैं वो जगत को नियोजित करती हैं, मतलब नियोजित इन द सेंस वो जगत का पालन भी करती हैं। पालन कैसे करती हैं, क्योंकि वो श्री हैं, और श्री क्या करती है, श्री जो है वो हमें धन धान्य देती है, हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, और सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है, जो क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति है, वो भगवती कामाख्या ही हैं। और ये इस संसार को प्रकट भी करती हैं, क्योंकि भगवती का मंडल कौन सा है, त्रिकोण मंडल भगवती का है। और जब बालक अपनी माँ के गर्भ में होता है तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो त्रिकोण की तरह ही बनता है, उसके बीच में जो बिंदु है वो माँ के ममत्व का प्रतीक है। तो उसी प्रकार जो भगवती हैं, ये जो अनंत ब्रह्मांड है ये उनका गर्भ है, तो उसी प्रकार से वे इस संसार को नियोजित करती हैं, और अंत समय में वो ही इस संसार को अपने में विलीन कर लेती हैं। पर भगवती की जो फॉर्म है, जो उनका स्वरूप है, वो नित्य रहता है। जैसा कि श्री आदि शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी में बोला है कि हे भगवती, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु सब मिट जाते हैं, बट आप नहीं मिटती, आपकी जो फॉर्म है ये सदा एक सी रहती है। तो भगवती और भगवान, मतलब सदा शिव और सदा शिवानी, सदा भगवती एक जैसे ही रहते हैं। जिस क्षेत्र में भगवती निवास करती हैं, जिसको कामरूप क्षेत्र बोला जाता है, वो त्रिकोण के मध्य में विराजमान है। वहाँ पर भगवती अपने समस्त भक्तों को दर्शन देती हैं। गर्भगृह है, और गर्भगृह के अंदर जो भगवती का पीठ है, जिसको योनि मंडल बोला जाता है, उसमें से सदैव जो जल है वो निकलता रहता है। और ऐसा बोलते हैं कि उस जल को ग्रहण करने से व्यक्ति का फिर दोबारा जन्म नहीं होता, वो देवी भगवती का सायुज्य प्रदान कर लेता है, उनके लोक में वह सदा के लिए निवास करता है। तो परम मोक्ष की भगवती कामाख्या की उपासना करने से प्राप्ति हो जाती है, वो भी एक ही जन्म में। तो ये बात है। और जो लोग भगवती का निरादर करते हैं तो उनका तो वही हाल होता है जो कि दक्ष का हुआ था। जैसे तारापीठ है, तो तारापीठ के जो उपासक हैं, जिन्होंने माँ को कलयुग में प्रकट प्रभावी किया है, तो वो कौन है, वामा ठाकुर है। तो वो ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, जो भगवती तारा के कलयुग में भैरव भी माने गए हैं, कुछ लोग उनको भैरव मानते हैं। और जो भगवती कामाख्या हैं, उनके कौन हैं, तो उनके एक नहीं, उनके बहुत सारे ऐसे उपासक हुए हैं कलयुग में, जिन्होंने भगवती को समय समय पर प्रकट प्रभावी किया है। जैसे बाबा भूतनाथ जी थे, और गुरु गोरखनाथ,
उसी तरीके से स्माइल योगी, फिर उनकी एक शिष्या थी लोना योगिनी। तो इस तरह से करके जो भगवती कामाख्या हैं उनके बहुत उपासक हुए, और आज भी माँ की ऊर्जा को बहुत से उपासकों ने अनुभव किया है, पहले भी किया था, आज भी करते हैं और आगे भी करेंगे। तो जो भगवती हैं वो कण कण में समाहित हैं, और तंत्र में बोला जाता है, भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बोल रहे हैं कि हे देवी, तंत्र में अनंत कोटि योगिनियों का वर्णन है और कोटि महाविद्याओं का वर्णन है, उनकी कोई गिनती नहीं है महाविद्याओं की, जिन्हें हम दश महाविद्या बोलते हैं, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, तो वो सब तो केवल 10 हैं, और इनके अलावा भी होती हैं, 24 होती हैं। तो 24 में पद्मिनी और भगवती अंबिका, भगवती अन्नपूर्णा, ये सभी आती हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर इन सभी महाविद्याओं के सार को देखा जाए तो वो कौन है, वो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, और ललिता माता के सहस्त्र नाम में भी आता है ब्रह्माणी ब्रह्मजननी, तो वो ब्रह्म की भी जननी है। तो अब ये खंडन मंडन का विषय नहीं है, तो जो भगवती है वो ब्रह्म की भी जननी है, लेकिन जो भगवती महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी निर्द्वैता द्वैतवर्जिता, ये जो भगवती हैं इनकी जो सारभूता देवी हैं, जो इनका भी सार है, जिनसे ये प्रकट हुई हैं, वो कौन है, वो भगवती कामाख्या हैं, कामाख्या हैं। आद्य स्तोत्र में भी आता है कामाख्या नील पर्वते च बंग देशे तु कालिका, तो कामाख्या, कामाख्या, कामाक्षी, ये तीनों भगवती के ही नाम हैं। इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, चाहे अब हम ये कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामी हरि प्रिय, तो वो भी भगवती का ही अंश है। अब अगर हम आद्य स्तोत्रम से लें तो वहाँ पर भी आता है रामस्य जानकी त्वम ही रावण ध्वंसकारिणी। तो ये जो शक्तियाँ हैं, जो भी इस संसार में स्त्री तत्व है, स्त्री तत्व तो छोड़ो, जो इस संसार में दया का भी भाव है, जो कुछ भी है जो कि हमें आनंद देता है, आनंद इन द सेंस जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाता है, हर प्रकार से जो हमें सुखी करता है, चाहे परम सुख हो, परम आनंद हो, परमानंद हो, कुछ भी हो, वो भगवती कामाख्या से ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती कामाख्या हर प्रकार के आनंद को प्रदान करती हैं। माँ कामाख्या के जो भैरव हैं, जो उनके शिव हैं, वो श्री उमानंद देव हैं। तो उमानंद उनके कॉन्सर्ट हैं और ये भगवती के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। माँ कामाख्या के क्षेत्र में दश महाविद्याओं का भी स्थान है, और जो साधक गण हैं, जो आराधक हैं, वो भगवती की कृपा वहाँ पर प्राप्त करते हैं। अब भगवती के जो विशेष दिन हैं, वैसे तो हर दिन हर पल हमें भगवती की उपासना करते रहना चाहिए, उनकी भक्ति में अपने आप को लगाए रखना चाहिए, लेकिन वर्ष में जो कुछ विशेष दिन होते हैं तो वो क्या हैं, तो वो आषाढ़ मास, जो भगवती को सर्वाधिक प्रिय होता है। दूसरा है नरक चतुर्दशी, क्योंकि नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवती ने नरकासुर को मोक्ष प्रदान किया था, और इस दिन भक्त लोग माँ की यात्रा भी करते हैं, कुछ इनका उपवास करते हैं, और इनके उपवास में बिना अग्नि का पकाया हुआ भोजन खाते हैं, मतलब बिना अग्नि का पकाया हुआ इन द सेंस जो कि हमें प्रकृति से पका हुआ मिलता है, क्योंकि ये प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति इन्हीं का ही स्वरूप है। इसलिए माँ कामाख्या जो है वो सर्वानंद कारिणी है, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। धन्यवाद।